वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है हम अपनी ऑल्टो कार के अंदर जो सीक्रेट लाइटर होता है इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारी गाइस गाड़ी में पहले भी ये इंस्टॉल हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वो हमारा किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको जो है चेंज करने वाले हैं। तो गाइस, इसको हमने आफ्टर मार्केट ही इसको परचेज किया है। ये हमको जो है लगभग 100 रुपये के अराउंड पड़ गया है। अगर आपको ये ऑनलाइन परचेज करना होगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं और आपको अपने पुराने वाला भी दिखाते हैं और ये नए वाला कैसे इंस्टॉल होता है वो भी हम आपको करके दिखाएँगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो सिगरेट होल्डर है वो उसे हिलाने पर वर्क कर रहा है। आपको ब्लू कलर की जो लाइट दिख रही होगी गाइज, आप देख सकते हैं, अगर हम इसको हिलाएंगे तो तभी ये वर्क करेगा, वरना ये चल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं गाइज, इसके अंदर जो है गाइज काफ़ी अंदर डस्ट जमी हुई है, आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए गाइज, इसके अंदर जब हम इस पोर्ट को डालते हैं तो ये इसके प्रॉपर इसके साथ में जो है अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर है वो आप देख सकते हैं इसको अंदर दबाने के बाद ये काम कर रहा है, जो कि सही नहीं है गाइज, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, हम फटाफट से जो है इसको चेंज करते हैं। इसके लिए जो है गाइज, हमें सबसे पहले यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं, एक ये वाला और सेम इसी साइड दूसरे वाला स्क्रू भी, इन दोनों को हमें खोल लेना है। उसके बाद में जो हमारा ये पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में इसको हम आसानी से लगाएंगे। तो चलिए, हम फटाफट से इन दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं, उसके बाद में इसको हम निकालते हैं और फिट करते हैं। तो गाइज, हम पुराने वाले को जो है इसको फटाफट से निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो है हम इसमें जो हमने नए वाला जो परचेज किया है उसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे। इसको लगाना काफ़ी ईजीली है गाइज, ये आसानी से निकल जाता है। ये कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, काफ़ी इसके अंदर जो है जंग लगा हुआ है इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। और ये जो आप हमारे हाथ में जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये नए वाला जो हमने परचेज किया है बहुत इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके लिए मैं इसके ऊपर से जो ये आप लोहे की पत्ती टाइप देख रहे हैं इसको खोलकर जो है आसानी से इसके अंदर फिट कर देंगे। गाइज, अब हम इसके कनेक्शन को जो है कर देते हैं। कनेक्शन वाइज सिंपली जैसे हमने इसके पुराने वाले में सॉकेट में से निकाला था, उसके साथ में हम ये पॉजिटिव वाला है और जो साइड में आप देख रहे हैं ये निगेटिव वाला है, जो कि हमारे जो इग्निशन स्विच होता है उसके वहाँ से इसकी वायरिंग का कनेक्शन होता है गाइज, जो कि हमने पहले से ही करवा रखा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब इसको हम वहीं पर फिट कर देते हैं और इसके बाद जो है हम आपको चला कर दिखा देते हैं। और जो हमने इसके अंदर से सामान, हमारी जो पार्सल ट्रे है और जो हमारा मोबाइल सॉकेट है उसको सिगरेट लाइटर पोर्ट को हमने निकाल दिया और अपना चार्जर इसके अंदर हम फिट करने वाले हैं। तो गाइज, अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको इसको जो है टेस्ट करा देते हैं। तो गाइज़,
ये देखिए हमारी इग्निशन की जिसको हमने ऑन कर दिया है, और इधर हमारा जो चार्जर सॉकेट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं गाइस ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं प्रॉपर ये वर्क कर रहा है। अब हम इसमें जो है अपना चार्जर किसी टाइम पर भी हम इसको जो है चलाकर इससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं गाइस। और रही बात इस सिगरेट लाइटर की गाइस, तो इसकी हमें फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ना कि हम सिगरेट पीते हैं और ना ही हमें इसकी कोई आवश्यकता है गाइस। तो इसको हम साइड रख देते हैं ताकि जो है जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे गाइस। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।